नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी। ईरान पर इसराइल किसी भी वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर एक बड़े हमले की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि इसराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है और अगर हम पर हमला कोई करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। विश्व युद्ध की तारीख तय हो गई। विश्व युद्ध का सेंटर तय हो गया। सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। सात अक्टूबर का बदला बाकी है। यही वो तारीख है जब एक साल पहले इसराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला बोला था। अब यही वो तारीख है जिस दिन इसराइल ईरान पर बहुत बड़ा प्रहार कर सकता है। 6 दिन हो चुके हैं ईरान ने इसराइल पर हमला किया। एक दो नहीं बल्कि 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दिया है। इसराइल के लोगों की जान ली, इसराइल के एयरबेस पर तबाही मचाई, इसराइल एयर डिफेंस सिस्टम को भेद डाला और इसराइल को एक तरह से युद्ध के लिए चेतावनी दे डाली। अब बारी इसराइल की है। इसराइल अब तक अपनी वॉर कैबिनेट में इसी का ताना बाना बुन रहा था कि कैसे ईरान को जवाब दिया जाए। उस ईरान को जिसने इसराइल के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोला। नसरल्ला के खात्मे के बाद तेहरान में जिस तरह से इसराइल ने 100 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए, अब इसराइल ने भी तय कर लिया है कि ईरान पर हमले की तारीख क्या होगी। ईरान में वो ठिकाने कौन से होंगे जहां पर हमला करने पर ईरान को सबसे ज्यादा दर्द होगा और ईरान के साथ आगे का युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा। सात अक्टूबर की तारीख, सात मोर्चों पर युद्ध, सात दिन में सर्वनाश। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में ऐलान किया था कि दुनिया के लिए चार मुल्क ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान एक अभिशाप है और इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि इसराइल सात मोर्चों पर ईरान से मुकाबला कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक कि वो इसराइल के लिए इन खतरों को खत्म नहीं कर देता। ये सात मोर्चे हैं: गाजा पट्टी में हमास, वेस्ट बैंक में हमास के आतंकी, लेबनान में हिजबुल्ला, ईरान में खामिनेई की हुकूमत, इराक में ईरान के समर्थन से लड़ रहे मिलिशिया, सीरिया में बसर अल असद की सरकार, यमन में हूती विरोधी। इन सात मोर्चों पर इसराइल ईरान से पहले से ही युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अब ईरान और इसराइल में आमने सामने की टक्कर होने वाली है। ईरान को पामाइम शिग्राल शिथेनु वेलरेनु मेओत टिलिम बहतकफा टिलिम बलिस्टिम मेअगदला बहिस्टोरिया अफ मदीना बाओलाम לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על הריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. לישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. אזרחי ישראל, לפרוס עלינו השנה החדשה, איננו שוכחים, ואני לא שוכח. ظاہر ہے, ישראל کی پردھان منتری نے اعلان کر دیا ہے کہ ایران کو جواب دیا جائے گا. और 7 अक्टूबर की तारीख से ठीक पहले आए नेतन्याहू के ऐलान ने बता दिया है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला हो सकता है। वो भी सीधा हमला, जैसा हमला इसराइल पर ईरान ने किया था वैसा ही हमला ईरान पर हो सकता है। जहां ईरान ने लगातार रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और ऐलान कर रखा है कि अगर इसराइल जवाबी हमला करता है तो फिर उसका अंजाम महायुद्ध होगा। इसराइल पर हमास ने एक साल पहले हमला बोला था और 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले के बाद इसराइल रुका नहीं है।
गाजा पट्टी की मिट्टी को बारूद राख में तब्दील करने के बाद भी आज भी इसराइल का गाजा में ऑपरेशन जारी है। इसराइल चुन चुन कर हमास के एक एक आतंकी को मार रहा है, लेकिन हमास का नया चीफ और 7 अक्टूबर को इसराइल के हमले को अंजाम देने वाला यहां सिंगवार जिंदा है और वो गाजा पट्टी में ही एक जगह से दूसरी जगह अपना ठिकाना बदल रहा है। और इसराइल एक के बाद एक हमास की उन सुरंगों को तबाह कर रहा है जहां सिनवार का ठिकाना हो सकता है, लेकिन सिनवार पर अब तक इसराइल डायरेक्ट अटैक से बच रहा है। पिछले एक महीने से इसराइल ने उसी तरह से हमलों को लेबनान में अंजाम देना शुरू किया है और वहां पर 10 दिन से ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रहा है। अब अगला नंबर ईरान का हो सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के इसराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के बयान पर पीएम नेतन्याहू ने पलटवार किया। नेतन्याहू ने मैक्रो के बयान को शर्मनाक बताया, साथ ही कहा कि इसराइल 7 मोर्चों पर अपनी रक्षा कर रहा है और प्रतिबंध की बात करने के बजाय सभी सभ्य देशों को इसराइल का साथ देना चाहिए। आगे इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ साफ कहा कि लड़ाई जीतने तक इसराइल अकेला लड़ता रहेगा। हम नहीं रुकने वाले नहीं हैं। नेतन्याहू छोड़ने वाले नहीं हैं। पश्चिम एशिया में भय है, विश्व युद्ध तय है। इसराइल ने कह दिया है कि वो ईरान के हमलों का जवाब देगा और बहुत ही करारा जवाब देगा। ऐसे में अब सवाल उठता है कि ईरान के इतने बड़े हमले के बाद इसराइल का हमला कैसा होगा और किस तरह से इसराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन तस्वीरों को देखिए, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि किस तरह से वो लेबनान में उसने एक ही दिन में हिजबुल्ला के सैकड़ों ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। हिजबुल्ला ने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाए थे, लेकिन वे वहां भी नहीं बचे। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने वहां भी घुसकर सब कुछ तबाह कर डाला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। पश्चिम एशिया में खाड़ी खोल रही है। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ है। ईरान ने जिस तरह से इसराइल को सीधे निशाने पर लेते हुए सैकड़ों मिसाइल से हमले किए, उसे इसराइल जंग का ऐलान मानता है। यही वजह है कि इसराइल की सरकार में एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। लगातार इस पर बात हो रही है कि ईरान को किस तरह से जवाब दिया जाए, क्योंकि इसराइल चुप तो नहीं बैठ सकता। उसे ईरान से हुए इतने बड़े हमले का जवाब देना है। बस यही तय नहीं हुआ है कि ये जवाब कैसा होगा, कब इस पर एक्शन लिया जाएगा। गाजा और लेबनान में इसराइल ने बारूद की बारिश कर ये दुनिया को दिखा दिया कि उसके जखीरे से निकले विनाशक हथियारों की ये तो महज शुरुआत है, और ये ईरान के लिए चेतावनी थी। लेकिन जो ईरान अब तक कथित तौर पर आतंकी संगठनों के पीछे से इसराइल से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, अब उसने जाहिर कर दिया है कि वो इसराइल से सीधा पंगा लेने के लिए तैयार है। यही वजह है कि मंगलवार की रात बैलिस्टिक मिसाइलों की इसराइल पर बारिश कर दी और बाद में धमकी भी दे डाली कि अगर गुस्ताखी की तो पश्चिम एशिया के नक्शे से इसराइल का नामो निशान मिटा देगा। ईरान के तेल ठिकानों पर होगा हमला। अगर
इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो वो सबसे पहले वो आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ना चाहेगा और इसके लिए ईरान के तेल ठिकानों पर निशाना बनाया जा सकता है। ईरान में 9 जगह है जहाँ तेल की रिफाइनरी है। वैसे तो ईरान के पास गैस और ऑयल फील्ड एक बड़े क्षेत्र में है, लेकिन ये वो 9 ठिकाने हैं जहाँ पर जमीन से निकले तेल को साफ किया जाता है। इसराइल इन 9 ठिकानों पर इसराइल से ही निशाना बना सकता है या फिर अपने फाइटर जेट भेजकर भी इन तेल ठिकानों को उड़ा सकता है। ईरान को पता है कि इसराइल चुप नहीं बैठने वाला और इसराइल के साथ उसके साथियों को पता है कि ईरान ने भी सोच समझकर पूरी तैयारी के बाद ही इस हमले को अंजाम दिया है। लिहाजा इसराइल अपनी वॉर कैबिनेट में जवाबी हमले की तैयारी करने में जुटा है। तो अमेरिका और ब्रिटेन भी इसराइल का साथ देने की बात कह चुके हैं और ईरान किसी भी जवाबी हमले की सूरत में फुल स्केल वॉर छेड़ने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर होगा हमला। अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया और हमले का मकसद ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हुआ तो इसराइल किन टारगेट को चुनेगा, मैप से समझिए। ईरान के 5 परमाणु ठिकाने निशाने पर आ सकते हैं। पूरे ईरान में फैले तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज में से 5 सबसे बड़े और सबसे अहम हैं: नतांज, अराक, फोर्दो, नतान, इस्फहान और बुशहर। ये वो ठिकाने हैं जिसमें से कुछ पर तो ड्रोन हमले भी हो चुके हैं और इसके लिए ईरान इसराइल को जिम्मेदार ठहराता रहा है। इसराइल के भीतर सबसे बड़ा डर है कि ईरान का परमाणु हथियार से संपन्न हो। इसराइल दावा कर चुका है कि ईरान के पास 5 से ज्यादा एटम बम हैं और वो हमेशा से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में अगर इसराइल ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले को प्लान करता है तो ईरान के परमाणु ठिकाने उसके टारगेट पर हो सकते हैं। ईरान ने इसराइल के एयरबेस को निशाना बनाया तो एयरबेस पर हमला किया और एयरबेस के साथ साथ वहां तैनात F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर दिया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर होगा हमला। ऐसे में इसराइल भी ईरान के एयरबेस और एयरफील्ड को निशाना बना सकता है और ईरान में कई ऐसे अहम एयरबेस हैं जो इसराइल के निशाने पर हो सकते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईरान की सेना तैनात है। इसराइल इन पर मिसाइल से या फिर लड़ाकू विमान से अटैक कर सकता है। ये वो ठिकाने हैं जहां से ईरान इसराइल पर अटैक को प्लान कर सकता है और हमलों को अंजाम दे सकता है। ईरान ने भी पहले इसराइल को धमकी दी है, अगर जवाबी हमला हुआ तो ईरान बहुत ही जबरदस्त हमले को अंजाम देगा और अगर जंग घड़ी तो अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो जंग में आए।